आगरा ग्वालियर हाईवे पर मधुनगर के पास तेज रफ्तार डंफर में आग लग गई। आपको बता दें कि आग में डंफर चालक बुरी तरीके से झुलस गया। वहीं गंभीर अवस्था में चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं फायर ब्रिगेड ने डंफर की आग को बुझाया। मामला आगरा में शुक्रवार अल सुबह करीब 4:30 बजे मधुनगर चौराहे के पास धौलपुर की ओर से आ रहे डंफर में अचानक से आग लग गई। वहीं लोगों ने आग की लपटें उठते देखकर शोर मचाया। कुछ ही देर में आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। डंपर के केबिन में बैठा चालक सुजान सिंह गुज्जर निवासी धौलपुर आग की लपटों में घिर गया। बड़ी मुश्किल से चालक केबिन से बाहर कूदा। लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी। वहीं थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने डंपर में लगी आग पर काबू पाया। आग में गंभीर रूप से झुलस चुके चालक को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। आग से डंपर पूरी तरीके से जल गया है। वहीं मौजूदा लोगों ने बताया कि आग बहुत तेज थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।